अब तो इद्दत खत्म हुए भी एक हफ्ता होने को आ रहा है, ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मुझे तो इन नई डॉक्टरनियों की समझ ही नहीं आती शाहजी, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोलती रहती हैं। कहती हैं लड़की किसी अंदरूनी दबाव का शिकार है। लो भला, ऐसा करते हैं कि हम माहे को लाहौर ले चलते हैं, तुम डॉक्टर से मशवरा कर लो। मैं कह रही थी आप और नाजिम शाह अगर कुछ दिनों के लिए आ जाते, माही से भी मिल लेना, और फिर मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है आपसे जो फोन पर नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हो, हम बेटी के ससुराल में आकर कैसे रह सकते हैं? और अब तो माही का उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो कहीं और ठहर जाना, आपने कहा था ना इलेक्शन से पहले आपको मुल्तान में अपने ठिकाने का बंदोबस्त करना, इसी बहाने आप कोई और जगह देख लेना। मैं नाजिम शाह से बात करके आपको वापस फोन करूंगा। माही को मेरा प्यार देना। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान। सब खैरियत है बाबा सिंह? कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ बेटा, माही की वजह से परेशान हूँ। तुम्हारी माँ का फोन था, वो कह रही थी कि हम कुछ रोज के लिए मुल्तान आ जाएं। बाबा सिंह यही बात मैं आपसे करने वाला था कि इलेक्शन सर पर हैं और मैं इस बार मुल्तान से ही एनए की सीट के लिए लड़ना भी चाह रहा था। तैमूर वाले वाक़े के बाद अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है, वहाँ से लड़ने के लिए सिकंदर की हमें भरपूर मदद भी चाहिए होगी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। खैर मैं मखदूम साहब से बात करता हूँ, मुल्तान में कोई हमें जगह दिलवा दें अच्छी सी। बाबा सिंह मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। बाबा सिंह अगर हम मुल्तान में रहेंगे तो इसी बहाने सिकंदर का एतमाद भी हासिल कर लेंगे और हमारी जीत के लिए सिर्फ उसके मज़ारों का वोट ही काफी है। ठीक तो फोन मिलाओ मखदूम साहब को, बोलो कि हम आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम पीर साहब, कैसे हैं आप?